से जुड़े हुए लोग हैं वह इस तरह का नहीं करता है। जो बीच का दलाल है वह इसका विरोध कर रहा है कि मोदी सरकार ने। दिल्ली में किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है। कृषि कानून के खिलाफ लगातार आंदोलन से सत्ताधारी दल के नेता बेहद परेशान हैं। जो आंदोलन कर रहे लोगों को लगातार अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। आंदोलन को बेपटरी करने के लिए ये लोग कभी खालिस्तानी तो कभी नक्सली कहकर संबोधित करते हैं। इतना ही नहीं, देशद्रोही तो कह डालते हैं। इस बीच एक नया नाम जुड़ गया है। ये संज्ञा देने बीजेपी विधायक और नीतीश कैबिनेट के पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि हैं। पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा सीट से विधायक कृष्ण कुमार ऋषि ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को दलाल बताया है। आगे उन्होंने क्या क्या कहा है जानने के लिए अमित कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। करता है जो बीच का दलाल है वह इसका विरोध कर रहा है कि मोदी सरकार ने किसान के जो बिल आया है वह किसान विरोधी है, किसान को नहीं चिंता है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 200% कि यह बिल किसान के हित में है, किसान के लाभ के हित में है। और किसान को जो मिलता था वो आज दिल्ली में या देश के अन्य राज्य में, क्या ये किसान नहीं है, ये दलाल है? एकदम निश्चित रूप से, इसलिए कि किसान, वही बता देने के, किसान जो है वह पंजाब में जो अनाज किसान बेचता था किसके मार्फत बेचता था? वह उस दलाल के मार्फत बेचता था किसान ने। डायरेक्ट आप किसान तो डायरेक्ट मंडी को दे रहा है। अब तो बीच का रास्ता खत्म हो गया किसान, अब कह रहे दलाल को हटा दिया जाएगा तो दलाल की